सो गाइस, सारे के सारे क्लास टी एम्प्लीफायर बोर्ड विद प्राइस कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सारे के सारे न्यू वैरायटी के टीडीआईसी में इनबिल्ड है मोस्टली इसमें, तो सब कवर करते हैं विद प्राइस। देख सकते हो कितने पावरफुल हैवी क्वालिटी के सारे एम्पलीफायर बोर्ड से क्लास टी के। लेट्स गो। सो हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम न्यू वैरायटी के क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड्स आप सब लोगों के लिए लेके आए हैं, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और धमाकेदार है। जेन्युइनली मतलब एक एम्पलीफायर बोर्ड आपके घर को तो पूरा नचा ही देगा। छोटे से स्टार्ट करेंगे 30 वॉट से, उसके बाद हम जाएंगे 790 वॉट तक के। ये आरएमएस पावर की बात कर रहा हूँ, तो सब कवर करने वाले हैं विद प्राइस करने वाला हूँ कवर। ओके, उसके बाद इनके फीचर वगैरह ही बताऊंगा कि कैसे क्या फीचर है और कितने ओम के स्पीकर आप इनसे चला सकते हो, सबवूफर चला सकते हो, तो हर एक चीज डिटेल में बताएंगे इस वीडियो में। सो गाइस, जो भी मेरी वीडियो देखता आया हुआ है और देख रहा है पहले से, बहुत पहले से, तो उन सब लोगों को पता होगा मैंने टीपीआईसी में क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड बहुत ज्यादा कवर किए हुए हैं। पर अब हम स्टार्ट करने वाले कवर करना टीडीआईसी के एम्पलीफायर बोर्ड्स को। तो अभी जो करेंटली हमारे पास स्टॉक आया है उसमें टीडीआईसी के ज्यादा एम्पलीफायर बोर्ड्स हैं, वो भी क्लास डी आईसीज है और उनकी इफिशियंसी भी 90% होती है और 10% एज अ हीट निकलती है। ओके, तो सब कवर करने वाले हैं विद प्राइस कवर करने वाले हैं, तो वीडियो पूरी एंड तक देखना। और गाइस, ये जो क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड्स हैं इनकी इंडिया में बहुत ज्यादा डिमांड है, और ये सारे क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड इम्पोर्टेड ही होते हैं क्योंकि इंडिया में इनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो डिमांडिंग है इंडिया में और बहुत कॉम्पैक्ट साइज होता है, आप इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। मोस्टली जो हमारे पास क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड्स हैं 12 से 36 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं। अगर आपके पास 12 से 36 वोल्ट की पावर सप्लाई है या बैटरी है जिसको आप कैरी कर सकते हो कहीं पे भी, उससे भी आप इनको चला सकते हो। और इन एम्पलीफायर बोर्ड्स को आप कार में, ट्रैक्टर में, होम एम्पलीफायर बनाने में यूज कर सकते हो। तो देखते हैं गाइस वो सारे एम्पलीफायर बोर्ड्स जो कि इस वीडियो में दिखाने वाले हैं विद प्राइस, और हर एक एम्पलीफायर के बारे में डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। और गाइस, इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि ऑनलाइन प्राइस कितना है और हमारे पास प्राइस कितना है टेक्निकल मेकर के पास। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सारे न्यू वेरायटी क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड विद प्राइस और कितने वॉट का है, ये सब डिटेल में बताने वाले हैं। सो लेट्स गो गाइस। ये है वो सारी वैरायटी हमारी, टोटल 10 बोर्ड है यहाँ पे हमारे पास करेंटली, इनको आज कवर करने वाले हैं विद प्राइस। सारे के सारे एसएमडी बेस्ड है क्योंकि क्लास डी बोर्ड कॉम्पैक्ट साइज के होते हैं, तो कंपोनेंट भी इनमें छोटे छोटे लगते हैं, इस वजह से एसएमडी में बनते हैं। तो सब कवर करेंगे विद प्राइस। सबसे पहले हम सबसे छोटे एम्पलीफायर बोर्ड से स्टार्ट करेंगे जो कि ये है। तो ये छोटा सा बोर्ड 30 वॉट का है, आप देख सकते हो 15+15 वॉट का ये एम्पलीफायर बोर्ड है, छोटा सा। इसके टर्मिनल्स वगैरह है देख सकते हो, यहाँ पे हमारा ऑडियो इनपुट है जहाँ पे हमारी ऑक्स या कोई भी ऑडियो कार्ड कनेक्ट होगा, ब्लूटूथ कार्ड, और इसका जो मॉडल नंबर है गोल्ड 60E है। और गाइस, ये आउटपुट है, ये लेफ्ट आउटपुट है 15 वॉट का और ये राइट आउटपुट है 15 वॉट का, डीसी 8 वोल्ट टू 24 वोल्ट। ये इसका फ्रंट लुक है, आप देख सकते हो, और इसमें जो आईसी लगी हुई है वो है टीपीए 3110 आईसी है, आप देख सकते हो, जो कि 30 वॉट की आईसी है हमारी। और इसका प्राइस आप देख सकते हो कैटलॉग में, करंटली इसका प्राइस मुझे पता नहीं है, बाकी सबके प्राइस मैं आपको बताऊंगा, पर अप्रोक्स ये 150 रुपीज के अंडर में ही होगा। ठीक है, 150 रुपीज से भी कम ही होगा। जो हमारा व्हाट्सएप स्टोर है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हर एक चीज वहां पे लिस्ट है विद प्राइस और सारे फीचर वहां पे भी लिखे होंगे। तो ये 30 वॉट का एम्पलीफायर बोर्ड है, सबसे छोटा एम्पलीफायर बोर्ड है। ठीक है, अब इसके बाद हम कवर करने वाले हैं ये एम्पलीफायर बोर्ड जो कि है CA543। इसको आपने ऑलरेडी देखा होगा हमारे चैनल पे, पर ये न्यू फीचर के साथ आया है, मैं आपको बताऊंगा कौन सा ये न्यू फीचर है इसके अंदर। तो देख सकते हो गाइस, कॉम्पैक्ट साइज है, टीपी 3116 आईसी में बेस्ड है ये, टोटल 100 वॉट का आउटपुट देगा ये आपको। और गाइस, जितने भी यहाँ पे क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड्स है, आप जितना कम ओम दोगे, मतलब जितने कम ओम के स्पीकर बूफर चलाओगे उतना ही अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा, और जितने ही ज्यादा ओम के बूफर स्पीकर बजाओगे उतना कम आउटपुट आपको मिलेगा, ये फैक्ट है क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड्स का। ठीक है, तो ये टीपी 3116 आईसी में बेस्ड है, ये देख सकते हो। यहाँ पे आपको दो प्रीसेट देखने को मिल जाएंगे जो कि हमारे वॉल्यूम को कंट्रोल करेंगे, आउटपुट वॉल्यूम को। ओके, यहाँ पे आप साउंड कार्ड कनेक्ट कर सकते हो डिस्प्ले वाला, जो कि इस तरीके का होता है। ओके, ये नॉन डिस्प्ले के साथ है और कुछ इस तरीके का भी होता है, इसको कनेक्ट कर सकते हो आप इसके साथ। ओके, ये यहाँ से हमारी डीसी जाएगी, डीसी पावर सप्लाई 8 to 24 वोल्ट इसमें दोगे आप।
उसके बाद यहाँ से आउटपुट मिलेगा आपको 50+50 वॉट का, और सारे के सारे जो इसमें कंपोनेंट्स लगे हुए हैं सारे के सारे जेन्युइन हैं। और गाइस मैं बता दूं, पहले जो इस मॉडल का आता था उसमें ऑक्स का ऑप्शन नहीं होता था, पर इसमें एक न्यू फीचर आया है, इनबिल्ड हुआ है, वो है 3.5 mm की ऑक्स का जैक। तो इसके अंदर ये फीचर एक न्यू है जिसके बारे में बात करने वाला था। उसके बाद इसकी आईसी देख लेते हैं, रिवील कर लेते हैं कि जेन्युइन इसमें आईसी है या फेक आईसी है। सो गाइस देख सकते हो ये है जेन्युइन TP3116D2 आईसी जो कि 100 वॉट की एक आईसी होती है। ये देखिए TP3116 आईसी इसमें लगी हुई है, जेन्युइन आईसी है। ओके, अब जो नेक्स्ट बोर्ड है इसी का बड़ा भाई है। अगर ये नॉन ब्लूटूथ है तो ये ब्लूटूथ है, बस इतना ही फर्क है। बाकी इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है और गुड लुकिंग है, ब्लैक पीसीबी में है ये देखिए गाइस, मतलब थोड़ा सा ये प्रीमियम क्वालिटी लग रही है, आप देख सकते हो। और जैसा कि आपको इस बोर्ड में देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको इनपुट पावर सप्लाई के लिए इस तरीके से टर्मिनल देखने को मिलेंगे। ओके, पर यहाँ पे आपको एक जैक देखने को मिलेगा जिसको मैं अभी लगा के दिखाता हूँ कि इसमें कैसी लाइट चलती है। ये देखिए गाइस, इसमें ब्लू एंड रेड लाइट ब्लिंक कर रही है। जो ब्लू आईसी है वो ब्लूटूथ को इंडिकेट कर रही है। डीसी देना है 8V to 24V। ये दोनों इसके आउटपुट टर्मिनल्स है, 1 to 50+50 वॉट का ये भी है, ये राइट है, ये लेफ्ट चैनल का आउटपुट है। ओके, और सेम इंडक्टर वगैरह इसमें हैवी क्वालिटी के लगे हुए हैं, SMD वर्क प्रॉपर है इसमें। ये इसके प्रीसेट है, इससे आप गेन कंट्रोल कर सकते हो, मीन्स वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो प्रीसेट से। ये प्रीसेट है एज अ पोटेंशियोमीटर हमारे। ओके, ये देखिए, और ये इसकी ब्लूटूथ आईसी है, जैसे कि आपने देखा इसमें कोई भी ब्लूटूथ आईसी नहीं है। और ये है गोल्ड CA543B, तो बी यहाँ पे स्टैंड करता है ब्लूटूथ को। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें ब्लूटूथ का फीचर इनबिल्ड हो चुका है। ओके गाइस, तो ये इसका लुक था। ये भी 100 वॉट का हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है, प्राइस वगैरह आपको नीचे लिखा दिखाई दे रहा होगा। अब स्टार्ट होंगे 200 वॉट की क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड हमारे, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं, ये थोड़ा न्यू वेराइटी का बोर्ड है हमारा, तो इसको देखते हैं। और गाइस मैं चाहता हूँ एक बार इसकी भी आईसी दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ट्रस्ट हो कि हाँ भाई जेन्युइन आईसी ही है। ये देखिए सेम आईसी इसमें भी लगी हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था TP3116D2। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम 200 वॉट के एम्पलीफायर बोर्ड। तो ये एकदम न्यू है, अनसीन है आप सब लोगों के लिए और मेरे लिए भी था, पर अब मेरे लिए ऑलरेडी सीन है। ये देखिए, तो ये हमने अभी तक अपने चैनल पे नहीं दिखाया है, ये कुछ न्यू ऐड होने जा रहा है हमारी कैटलॉग में, क्वालिटी आप देख सकते हो। और ये एम्पलीफायर बोर्ड TD-IC में बेस्ड है, TD-7498 IC में बेस्ड है, जिसका टोटल आउटपुट है 200 वॉट। सिंगल आईसी 200 वॉट का आउटपुट देती है, मींस 100+100 वॉट। और ये इसके आउटपुट टर्मिनल्स है, इसमें ब्लूटूथ इनबिल्ड नहीं है। ये देखिए गाइस, ये लेफ्ट आउटपुट है, ये राइट आउटपुट है। 200 वॉट के स्पीकर या बूफर ड्राइव कर सकते हो, सबवूफर इससे नहीं चलेगा, ठीक है। ये देखिए, ये टर्मिनल्स है आउटपुट के, और यहाँ से आप पावर इनपुट दोगे। सो गाइस, इस एम्पलीफायर बोर्ड को आप 12 से 30 वोल्ट तक की पावर सप्लाई दे सकते हो, 12 से 30 वोल्ट पे बहुत ही अच्छा आउटपुट निकलेगा। और कम ओम के स्पीकर वूफर यूज करना तो और भी अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा। यहाँ से हमारा ऑडियो इनपुट है, यहाँ पे हमारी ऑक्स जो वायर होती है यहाँ पे कनेक्ट होगी, लीड वायर। तो गाइस ये गेन कंट्रोलर्स हैं हमारे दोनों, जो डेसिबल्स होते हैं वो यहाँ से कंट्रोल होंगे हमारे, ठीक है। ये आई थिंक 20 dB से स्टार्ट है, 25 dB से, और 60 dB तक जाएगा ये। और यहाँ पे आप साउंड कार्ड कनेक्ट कर सकते हो इसमें, ब्लूटूथ साउंड कार्ड जो मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ इनबिल्ड नहीं है। और इसमें 10 A तक का करंट आप दे सकते हो 12 से 30 वोल्ट पे, ठीक है। 10 A का यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, और इसमें प्रोटेक्शन भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हीटिंग प्रोटेक्शन एंड ऑल, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। अगर इनके सब वायर वगैरह उल्टे जोड़ देते हो पावर सप्लाई के तो भी ये बोर्ड प्रोटेक्ट रहेगा। कॉम्पैक्ट साइज है, न्यू बोर्ड है, और ये इसका मास्टर वॉल्यूम है हमारा, सिंगल नॉब के साथ ये आता है, ठीक है। तो इसका प्राइस भी आप देख सकते हो। अब जो नेक्स्ट बोर्ड है वो ऑलरेडी आप लोगों ने देखा हुआ है। ओके गाइस, तो ये भी 200 वॉट का एम्पलीफायर बोर्ड है, पर इसमें एक
अच्छी बात यह है कि इसमें आप 100 वॉट का सबवूफर भी लगा सकते हो, पर इसमें आप बस दो स्पीकर चला सकते हो या दो बूफर चला सकते हो। इसमें आपको सबवूफर का भी ऑप्शन मिलेगा। ये भी नॉन ब्लूटूथ एम्पलीफायर बोर्ड है। इसमें आपको 3 नॉब्स देखने को मिलेगी, उसमें सिंगल नॉब देखने को मिलेगी, बेस ट्रबल और मास्टर वॉल्यूम, इसमें 3 नॉब्स इस तरीके से वर्क करेगी। इसमें आपको ऑक्स भी मिलेगा, 3.5 mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा ऑक्स इनपुट के लिए, और यहाँ पे भी आप साउंड कार्ड यहाँ पे अटैच कर सकते हो उसमें। उसके बाद ये पावर सप्लाई के लिए टर्मिनल है ये वाला, इसमें आप 12 से 24 वोल्ट की पावर सप्लाई दे सकते हो 10 एम्पियर पे, और यहाँ से हमारा पावर इनपुट जाएगा, पावर सप्लाई इनपुट। ये डायड है इसमें, सेम डायड जैसा उसमें था, और ये इसकी प्री एम्प आईसी है, ठीक है। बीच में हमारा सबवूफर कनेक्ट होगा, और ये राइट और लेफ्ट चैनल है। राइट और लेफ्ट चैनल इसमें 50 वॉट के दो चलेंगे, मीन्स 50 वॉट यहाँ, 50 वॉट यहाँ, और यहाँ 100 वॉट का सबवूफर, ठीक है। इंडक्टर वगैरह अच्छे लगे हुए हैं, पर ब्लैक कोर में होते तो और अच्छा आउटपुट हमें देखने को मिलता, ये येलो कोर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये भी TP3116 आईसी है बेस्ड है, इसमें दो आईसी लगी हुई है TP3116, इसीलिए 200 वॉट का आउटपुट देगा आपको, 200 वॉट RMS देगा, ठीक है। देखने को मिलेगी ये सारी इसकी नॉब्स है, देख सकते हो 3 नॉब्स आपको टोटल मिलेगी इसके साथ, इस तरीके की नॉब्स है सिल्वर कलर की। अब जो नेक्स्ट हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है वो है MT21। इसका रिव्यू मैंने डाल रखा है ऑलरेडी अपने चैनल पे, एक बार दोबारा दिखाना चाहूंगा मैं इस एम्पलीफायर बोर्ड को। टेक्निकल मेगर का 2.1 क्लास जी एम्पलीफायर बोर्ड है, हूजी ऑडियो का बोर्ड है, ठीक है। इसके साथ आपको कंप्लीट इनक्लोजर मिलेगा, स्क्रू ड्राइवर मिलेगा, सॉकेट मिलेगा, 5 नॉब्स मिलेगी टोटल, और ये इसका इनक्लोजर है। इनक्लोजर PCB बोर्ड में ब्लैक कलर का, मतलब प्रीमियम लुक देगा आपको। 200 वाट का ये प्रॉपर एम्पलीफायर बोर्ड है। ऑडियो इनपुट के लिए यहाँ पे आप ऑक्स ब्लूटूथ वगैरह अटैच कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। 5.0 कनेक्टिविटी आपको इसमें मिल जाएगी ब्लूटूथ के लिए, और देख सकते हो गाइस इसमें भी लिखा हुआ है 4 ओम की लोड पे आपको अच्छा खासा आउटपुट देखने को मिलेगा, मीन्स 100 वॉट का सबवूफर आप प्रॉपर चला सकते हो 4 ओम की लोड पे, और 50 वॉट के दो स्पीकर आप इसे चला सकते हो बहुत ही इजीली, ठीक है। 12 से 24 वोल्ट की पावर सप्लाई आप इसमें दोगे 10 एम्पियर तक का या 9 एम्पियर तक का, इसमें करंट आप दोगे 5.0, ब्लूटूथ है। तो इनक्लोजर पे हर एक चीज मेंशनड है, और ये इसकी मेन यूनिट है, ये हूजी ऑडियो का बोर्ड है, इसमें हूजी ऑडियो की आईसी लगी हुई है ZK MT21, और यहाँ पे हर एक चीज इंडिकेट है, सबवूफर प्लस माइनस राइट एंड लेफ्ट स्पीकर के लिए यहाँ पे देख सकते हो, ये टर्मिनल है आउटपुट टर्मिनल्स, यहाँ पे मेंशन है हर एक चीज। यहाँ पे हमारा सबवूफर कनेक्ट होगा, यहाँ पे लेफ्ट स्पीकर, यहाँ पे राइट स्पीकर। ये ऑक्स इनपुट है हमारा 3.5 mm का, ये इनपुट है हमारा 3.5 mm का, ये हमारी ब्लूटूथ आईसी है 5.0, हीट सिंक के नीचे हमारी हूजी ऑडियो की आईसी है, और ये हमारा पावर सप्लाई इनपुट है जो कि 12 से 24 वोल्ट का होगा। और देख सकते हो गाइस टोटल यहाँ पर जो प्री एम्प आईसी है 4 लगी हुई है, पोटेंशियोमीटर 5 है टोटल, जो लास्ट फर्स्ट वाला ये पोटेंशियोमीटर है, इसमें हमारा ऑन ऑफ स्विच भी इनबिल्ड है, ओके। फर्स्ट दो नॉब है यहाँ पे देख सकते हो, ये सबवूफर की फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम को कंट्रोल करेंगे, ये वॉल्यूम को कंट्रोल करेंगे सबवूफर की, और ये वाला फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेगा सबवूफर की, और ये जो राइट और लेफ्ट चैनल होंगे हमारे 50 वॉट के दोनों, उनके बेस और ट्रेवल को कंट्रोल करेंगे ये दोनों नॉब, ठीक है। नॉइस बहुत कम आती है एम्पलीफायर बोर्ड्स में, जो कि क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड्स होते हैं, तो नॉइस का नाम तो होगा ही नहीं किसी भी एम्पलीफायर बोर्ड में, ठीक है। तो ये MT21 था, प्राइस वगैरह आपको दिख रहा होगा कितना प्राइस है। उसके बाद गाइस ये है TB21, टेक्निकल मेकर का 2.1 क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड ये भी है, और ये हमारा TP-IC में बेस्ड है। TP-IC मतलब हो गया ये 200 वाट का एम्पलीफायर बोर्ड हो गया, इसमें दो आईसी लगी हुई है TP3116, और अपने पास एकदम जेन्युइन ही मिलेगा ये बोर्ड, एक भी फेक बोर्ड आपको नहीं मिलेगा। देख सकते हो गाइस साइज जो है इन दोनों का, MT21 का और TB21 का डिफरेंट है। MT21 देख सकते हो कितना छोटा है, और TB21 का साइज आपको खुद ही पता लग गया होगा। ये जो TP3116D2 है, जो ब्लू वाला आता था, मैं दिखाता हूँ आपको, वो भी अपने पास अवेलेबल है, मैं दिखाना चाहूंगा आपको। तो गाइस इस वाले ब्लू की बात कर रहा था मैं, ये TP3116D2 है, ये एक टाइम पे मेरा सबसे फेवरेट क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड था, पर अब इससे भी अच्छे अच्छे मेरे को मिल चुके हैं, तो ये थोड़ा कम हो चुका है मेरे लिए, मतलब ये अप्रोक्स अभी 6th नंबर पे होगा मेरे लिए, ठीक है। पर एक टाइम पे मेरा फेवरेट बोर्ड था, ओके। 200 वॉट का इसमें भी आउटपुट मिलेगा आपको, और 200 वॉट का इसमें भी आउटपुट मिलेगा। डिफरेंस क्या है,
इसमें आपको इंक्लोजर साथ में मिलेगा, यहाँ पे पीएफ देखने को मिलेंगे, यहाँ पे पीएफ नहीं देखने को मिलेंगे आपको। ओके, बाकी ये बोर्ड भी आप बाय कर सकते हो, मिल जाएगा आपको, जो बाय लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसमें भी 200 वाट का प्रॉपर आउटपुट है, फीचर वगैरह सारे सेम है। इसमें भी 5.0 ब्लूटूथ है, ऑक्स इनपुट है। आउटपुट के लिए आप 50 वाट की दो स्पीकर चला सकते हो और 100 वाट का सबवूफर, ठीक है, सारे फीचर सेम ही है। जेड के TV20N मॉडल पीछे भी देखने को मिलेगा आपको, 12 से 24 वोल्ट की पावर सप्लाई से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। सबवूफर, राइट एंड लेफ्ट चैनल, ऑक्स इन, ब्लूटूथ इनपुट, 5.0 ये IC है उसकी, ये देख सकते हो BT, ये आउटपुट टर्मिनल से सारे। और पावर सप्लाई के लिए आप इस तरीके का एक जैक भी लगा सकते हो और ये टर्मिनल भी दे रखा है। इसमें लगाना थोड़ा हैवी टर्मिनल है ये वाला, जो कैपेसिटर है अच्छी खासी वोल्टेज का लगा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हो। ओके, हीट सिंक के नीचे हमारी TPA 3116 IC है, जेन्युइन IC। इसमें भी आपको 4 ओपेम्प IC देखने को मिलेगी और ये सारे इसकी नॉब्स हैं। इसमें भी आपको ऑन ऑफ स्विच MT21 की तरह इसी में इनबिल्ट देखने को मिलेगा। एक बार मैं इसको ऑन करके दिखा देता हूँ, ये देखिएगा इसी ऑन हो चुका है, ब्लू कलर की लाइट यहाँ पे ऑन हो चुकी है, ठीक है। सारे के सारे वर्किंग होते हैं ये क्लास जी एम्पलीफायर बोर्ड्स। उसके बाद गाइस देख सकते हो यहाँ पे इसके साथ भी आपको नॉब्स वगैरह मिलेगी, सॉकेट्स वगैरह मिलेंगे, स्क्रू ड्राइवर मिलेगा और इनक्लोजर भी मिलेगा। ओके, और इनक्लोजर पे भी हर एक चीज मेंशन होगी, 50 वॉट के 2 स्पीकर और 100 वॉट का सबवूफर ड्राइव करेगा ये, ठीक है। और इसके इनक्लोजर पे भी हर एक चीज यहाँ पे इंडिकेट कर रखी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत इजी टू यूज है गाइस। मतलब बच्चा बच्चा कनेक्शन कर सकता है इन सारे क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड्स के, और आउटपुट आपको ऐसा मिलेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। JBL वाले फीचर भी आपको देखने को मिलेंगे, जो ये TV21 है इसके मॉड्यूल में से भी साउंड आता है, मतलब जो JBL के मैंने सर्किट बोर्ड देखे हैं उनके मॉड्यूल में से भी साउंड आता है, जो इंडक्टर होते हैं, कॉइल्स होती है, उनमें से साउंड आता है विदाउट स्पीकर। तो ये बस मेरे को TV21 में देखने को मिला ये फीचर, बाकी किसी में नहीं। अब थोड़ा हैवी एम्पलीफायर बोर्ड दिखाने वाला हूँ मैं। अब जितने भी एम्पलीफायर बोर्ड है, मतलब 400 वाट से ऊपर ही है, 450 वाट से ऊपर ही है, जो 3 हमारे पास अभी बचे हुए हैं, तो उनको भी कवर करते हैं जल्दी जल्दी। आई होप आप सब लोगों को मजा आ रहा होगा इस वीडियो में। गाइस ये फैक्ट है, आप जितने कम ओम के स्पीकर बूफर यूज करोगे इन एम्पलीफायर बोर्ड्स में, उतना अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा। 4 ओम का चलाइए, हर एम्पलीफायर बोर्ड में आपको बढ़िया आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एम्पलीफायर बोर्ड है वो है ये। ओके, तो इसकी अभी तक टेस्टिंग नहीं आई है अपने चैनल पे, बहुत ही जल्दी आएगी। तो ये है XYS 220H 160+160+220W 2.1 क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड है। टेक्निकल मेकर की ब्रांडिंग आपको टॉप पे देखने को मिलेगी। ये कुछ इसका लुक है, पूरा पैक्ड है, कहीं से ओपन नहीं है। ये एम्पलीफायर बोर्ड हमारा 12 वोल्ट से लेके 36 वोल्ट पे ऑपरेट होगा, 36 वोल्ट पे बहुत ही अच्छा आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। इसको खोल लेते हैं गाइस एक बार, ताकि आपको मजा आए देखने में इसको। तो ये हमने पैकेट खोल लिया है, ठीक है। तो गाइस जैसा कि मैंने XYS 350H में बताया था, यहाँ पे भी इसको बक डाउन करके 12 वोल्ट का ये हीट सिंक फैन चलाया गया है, 36 वोल्ट की पावर सप्लाई पे ऑपरेट होगा, अच्छा आउटपुट आपको 36 वोल्ट पे ही मिलेगा, बेस आपको बहुत अच्छा मिलेगा। मैंने टेस्ट किया हुआ है, अभी तक अपलोड नहीं किया है। इस बोर्ड में आपको SYS 350 से अच्छा बेस मिलेगा। 4700 माइक्रोफेरेड के 50 वोल्ट के यहाँ पे कैपेसिटर लगे हुए हैं, जो कि सफिशियंट है इस एम्पलीफायर बोर्ड के लिए, और बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज का बोर्ड है, SMD वर्क्स प्रॉपर हुआ है इसमें। ओके, और ये इसकी ब्लूटूथ IC है 5.0, वोल्टेज रेगुलेटर ही हमारे ब्लूटूथ IC को ड्राइव कर रहा है, और ये ऑक्स इनपुट और USB को भी ड्राइव कर रहा है, ठीक है। पावर सप्लाई इनपुट के लिए यहाँ से दोगे आप 20 एम्पीयर की पावर सप्लाई दे सकते हो, करंट दे सकते हो 36 वोल्ट पे, ठीक है। यहाँ पे पर देख सकते हो गाइस मेंशन भी है 12 वोल्ट से लेके 38 वोल्ट, ठीक है। 38 वोल्ट आपको नहीं देना है, 37 वोल्ट नहीं देना है, 36 पे ही रहो, बहुत बढ़िया रहेगा, वरना जो IC है वो बर्न आउट हो सकती है, जल सकती है IC। पावर सप्लाई के लिए आपको 2 इनपुट आपको देखने को मिलेंगे,
एक तो ये टर्मिनल देखने को मिलेंगे और एक ये सॉकेट देखने को मिलेगा, इसमें आप डायरेक्ट जैक लगा सकते हो। ठीक है, ये दोनों टर्मिनल है, ठीक है, पावर सप्लाई इनपुट के लिए, और ये सारे आउटपुट्स हैं हमारे स्पीकर बूफर के लिए, देख लो। तो ये पहला वाला है, ये बूफर ड्राइव करेगा हमारा, 220 वॉट का एक बूफर ड्राइव कर सकते हो, और जो स्पीकर होंगे हमारे वो 160 वॉट प्लस 160 वॉट के स्पीकर दो ड्राइव कर सकते हो। ये स्पीकर राइट है, ये स्पीकर लेफ्ट है, ठीक है। और मल्टीपल ऑडियो इनपुट आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यूएसबी इनपुट, ऑक्स इनपुट, ब्लूटूथ इनपुट, ठीक है। इंडक्टर वगैरह देख सकते हो, हैवी है, ब्लैक कोर में है, पीएफ वगैरह भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, ओके गाइस। और इसमें भी टोटल आपको चार ओपन पाइसी देखने को मिलेगी, मतलब यार जो SYS 350 है वो एक्चुअल में बहुत हैवी है, उसमें टोटल पांच ओपन पाइसी थी, पर यहाँ पे NA5532 ओपन पाइसी, यहाँ पे चार, ठीक है, पर XYS 350 में पांच ओपन पाइसी थी, मीन्स हर एक पोटेंशियोमीटर के लिए अलग से ओपन पाइसी थे। ये वही 360 वाली नॉब है हमारी, पोटेंशियोमीटर है जो प्रॉपर 360 घूमता है, ठीक है। टोटल पांच नॉब आपको देखने को मिलेगी इसमें भी, और देख सकते हो ये राइट और जो लेफ्ट चैनल होंगे हमारे 160 वॉट के, ये उनके बेस और ट्रेवल को कंट्रोल करेंगे ये दो नॉब्स, पोटेंशियोमीटर। और ये जो फर्स्ट दो नॉब है ये सबवूफर की जो फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम है उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। मतलब यार क्या बना रखा है, मतलब पूरा स्टडी करके ये बोर्ड बनाया गया है कॉम्पैक्ट साइज का। और गाइस बहुत ही जल्दी मैं ऐसी वीडियो भी लाऊंगा, जितने भी क्लास टी एम्पलीफायर बोर्ड है हर एक एम्पलीफायर बोर्ड को कार में भी लगा के दिखाने वाला हूं मैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि कार में इनको कैसे अटैच करें। और मतलब अगर आपका बजट बन रहा है ना गाइस 25,000 से 30,000 का एम्पलीफायर वगैरह बाय करने के बाद, तो वो चीज आपकी बस 3,000 से 4,000 रुपए के अंडर में खत्म हो जाएगी। बहुत ही जल्दी मैं ऐसी वीडियोस भी लाने वाला हूँ, कार में प्रॉपर फिटिंग करके दिखाने वाला हूँ, मतलब मजेदार वीडियो आने वाली है बहुत ही जल्दी। सबसे पहले मैं XYS 350 की ही लाऊंगा, ये वाला मॉडल जो उसके बाद मैं दिखाने वाला हूँ, XYS 350, ठीक है। तो एक बार इसकी आईसी देख लेते हैं गाइस, इसमें कौन सी आईसी है। तो आपको हीट सिंक फैन निकालने के लिए करना क्या है, इसको इस तरीके से प्रेस करना है, यहाँ पे होल्डर्स लगे हुए हैं सिलिकॉन के, ओके, ये तो पूरा ही बाहर निकल गया भाई, ओके, ये देखिए गाइस। अब बताऊं इसमें कौन सी आईसी लगी हुई है, इसमें लगी हुई है TDA 7498 PIC। ये आईसी भी आपको देगी टोटल 160 प्लस 160 प्लस 220 वॉट, ठीक है, मींस ये टोटल 220 वॉट की एक आईसी है, ओके, मोनो आपको प्रॉपर 220 वॉट देगी और स्टीरियो में आपको 160 प्लस 160 देगी, देख सकते हो गाइस ये आईसी है, बहुत हैवी आईसीज है ये। और इनको बनाने वाले ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जो इनके मैन्युफैक्चरर्स हैं इस आईसी के, मतलब यार दिल खुश हो जाता है ऐसी क्वालिटी देखे। क्यों ये इंडिया में नहीं बन रहे, अगर इंडिया में बनने स्टार्ट हो गए तो जो कॉस्ट है इनकी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि ये चाइना से इंपोर्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा चार्जेस लग जाते हैं वहाँ से इंपोर्ट करने के, तो कोई ना कोई जल्दी बनाना स्टार्ट करो इसको, ताकि हर एक बंदा इसको अफोर्ड कर सके, बहुत से लोग हैं जो उसको अभी भी अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे, ओके। तो बहुत ईजी था हीट सिंक निकालना और लगाना, बहुत ईजीली आप कनेक्शन कर सकते हो, मतलब ईजी इंटरफेस है, देख सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम आप देखोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, पर एक्चुअल में बहुत ईजी है कनेक्शन। आपको क्या करना है, बस पावर सप्लाई लगानी है, सबवूफर लगाना है, दो स्पीकर लगाने हैं और ब्लूटूथ कनेक्ट करके प्ले करना है, दैट्स इट, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नॉब्स वगैरह बहुत ईजी है यूज़ करना, ठीक है। तो ये था XYS 250 220H, और इसके साथ भी आपको कंप्लीट इंक्लोजर मिलेगा, ये देख सकते हो इसका इंक्लोजर है। और गाइस इस बोर्ड में आपको प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन एंड ऑल, ठीक है। ये देखिए गाइस, ये इसके टॉप का इंक्लोजर है, मतलब टॉप साइड का जो फैन के ऊपर लगेगा, ये फ्रंट वाला है, 160 वॉट टू स्पीकर और 1220 वॉट सबवूफर, ठीक है। ट्रेबल एंड बेस ट्यूनिंग 2.1 हाई पावर एम्पलीफायर, एक्चुअल में हाई पावर एम्पलीफायर बोर्ड है, और यहाँ पे हर एक चीज मेंशन है कि कैसे यूज करना है नॉब्स वगैरह को और कौन सी नॉब किसकी है, और पावर सप्लाई इनपुट के लिए भी यहाँ पे इनक्लोजर पे हर एक चीज मेंशन है। ये इसका बैक का पैनल है, ओके, ठीक है।
और स्पेयर्स वगैरह भी मिलेंगे आपको इसको असेंबल करने के लिए, कंप्लीट स्पेयर है, नॉब्स वगैरह भी है, ठीक है। बहुत ही मतलब यार मैं चाहता हूँ कोई इसे इंडिया में बनाए ताकि इसकी कॉस्ट कम हो जाए, वहाँ से इंपोर्ट करते करते ही प्राइस बढ़ जाते होंगे। अब जो गाइस नेक्स्ट है वो है टेक्निकल मेकर का 220 वॉट प्लस 350 वॉट 2.1 क्लास जी एम्पलीफायर बोर्ड सिनी ऑडियो का, चाइना में ये कंपनी है उसी का ये बोर्ड है। और ये बोर्ड अब तक का सबसे हैवी एम्पलीफायर बोर्ड है जो करेंटली हमारे पास अवेलेबल है 2.1 क्लास जी एम्पलीफायर बोर्ड में, ठीक है। ये एम्पलीफायर बोर्ड टीपीए सीरीज की आईसी में बेस्ड है, वो वाला टीडी आईसी में बेस्ड था, ठीक है। ये देखिए ये है XYS 350H, जिसकी टेस्टिंग मैंने 2-3 दिन पहले ही अपलोड की थी। क्वालिटी देखिए, लुक वाइज सेम उसकी तरह होगा XYS 220 की तरह, पर इसमें जो PF है, इंडक्टर है और बहुत से फीचर इसमें इंक्लूड है जो उसमें नहीं है, ओके गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो XYS 350H सिनी ऑडियो का बोर्ड है, चाइना की एक कंपनी है, वहीं से इंपोर्ट होते हैं ये, इंडिया में बनते नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत डिमांडिंग बोर्ड है इंडिया में, हर एक बंदा बाय करना चाहता है जिसको ऑडियो का शौक है। आपको हम ऑनलाइन से बहुत कम प्राइस में देंगे, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं और फीचर की बात करते हैं। तो ये है वो सबसे तगड़ा एम्पलीफायर बोर्ड जिसकी मैं बात कर रहा था। सो गाइस ये एम्पलीफायर बोर्ड हमारा TP-IC में बेस्ड है, TPA 3251, ठीक है, जो कि 350 वॉट की एक आईसी देती है मोनो पे। तो ये टोटल RMS आपको 790 वॉट देगा, बोलते इसको 1000 वॉट है मार्केट में, पर 790 वॉट इसकी एक्चुअल पावर है। और इसमें भी आप जितने कम होम के स्पीकर वूफर प्ले करोगे, सब वूफर प्ले करोगे, उतना अच्छा आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लुक देख सकते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा जो भी इस बोर्ड को फर्स्ट टाइम देख रहा है। आप देख सकते हो गाइस इसमें ब्लैक कोर के इंडक्टर लगे हुए हैं, टोटल 8 इंडक्टर्स हैं, इसमें 6 इंडक्टर थे हमारे, ओके, और PF इसमें थे 3 और इसमें 6 है, ठीक है, इसमें 6 है, इसमें 3 थे, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा था वोल्टेज रेगुलेटर की, जो सबवूफर की, जो सबवूफर डिस्टॉर्शन जो पैदा करेगा उसको कंट्रोल करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक वोल्टेज रेगुलेटर देखने को मिलेगा, ठीक है, अगर सबवूफर डिस्टॉर्शन करता है उसको बैलेंस करेगा ये वाला हमारा वोल्टेज रेगुलेटर, पर इसमें वो वोल्टेज रेगुलेटर नहीं है, वो फीचर इसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद गाइस इसमें एक और चीज़ थी जो मैं बताना चाहूँगा, हाँ, इसमें देख सकते हो गाइस टोटल आपको 5 OP-IC देखने को मिलेगी XYS 350H में। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यानी 55-32 OP-IC है इसमें, और इसमें 4 थी, ठीक है। और बाकी नॉब्स वगैरह सबकी सेम है, सेम कंट्रोल्स है, देख सकते हो। दोनों को आप ऐप के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो, दोनों बॉक्स के साथ आपको इस तरीके का एक स्टिकर देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। इनको स्कैन करके आप प्ले स्टोर से इनके ऐप डाउनलोड कर सकते हो और ऐप के थ्रू भी आप इनको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो इसको साइड में रखते हैं, इस पर बात करते हैं। और गाइस मैं बता दूं, एक फीचर बताना भूल गया था दोनों में, यहाँ पे प्ले एंड पॉज का बटन भी इनबिल्ड है, जो हमारे मिडल वाला पोटेंशियोमीटर है इनमें प्ले एंड पॉज बटन भी इनबिल्ड है, देख सकते हो। इसमें भी सेम है, ये भी 360 घूमने वाला पोटेंशियोमीटर है, मतलब नॉब्स वगैरह सबके सेम है दोनों की। सेम यहाँ पे बक डाउन कर रखा है, उसके बाद 12 वोल्ट का ये हीट सिंक फैन चला रखा है। उसके बाद देख सकते हो गाइस ये ब्लूटूथ आईसी है 5.0, वोल्टेज रेगुलेटर सेम उसकी तरह है इसमें, जो हमारे ब्लूटूथ आईसी को ड्राइव कर रहे हैं। 20 एम्पीयर तक की पावर सप्लाई दे सकते हो 12 से 36 वोल्ट पे, ठीक है। और 4700 माइक्रोफेरेट के यहाँ पे कैपेसिटर आपको देखने को मिलेंगे। एक बार इसकी आईसी भी खोल के देखेंगे, उससे पहले मैं एक बार इसको ऑन करके दिखा देता हूँ कि ऑन होते ही क्या होता है। इसमें फैन ऑन हो जाएगा और लाइट ब्लिंक करने लगेगी ब्लू कलर की, जो कि ब्लूटूथ को इंडिकेट करती है। और गाइस मैं बता दूं 12 वोल्ट पे बस इसका फैन ऑन होगा और लाइट ऑन होगी, कोई भी साउंड नहीं आएगा स्पीकर वूफर कनेक्ट करने के बाद, ठीक है। इसको भी एक बार मैं ऑन करके दिखा देता हूं। ओके, सेम इसमें भी सेम चीज होगी, फैन चलेगा और लाइट ब्लिंक करेगी। इसमें हमारा एक सबवूफर कनेक्ट होगा, ये हमारा सबवूफर का है 350 वॉट का सबवूफर, और दो स्पीकर कनेक्ट होंगे 220 वॉट्स के, ये राइट और ये लेफ्ट स्पीकर। और पावर सप्लाई के लिए आप 18-38 वोल्ट दोगे इसको, ठीक है। 38 आपको नहीं देनी है, 36 पे ही रहना, इससे ऊपर मत जाना, वरना जो हमारी आईसी है वो बर्न आउट हो जाएगी, जल जाएगी,
ठीक है, डीसी 18 से 36 पे ही रहना है, 38 वोल्ट को यहाँ पे हटा देना। पावर इनपुट के लिए दो आपको देखने को मिलेंगे ऑप्शंस, एक ये टर्मिनल वाला है और ये सॉकेट वाला है, ठीक है। ये आउटपुट टर्मिनल्स थे, स्पीकर आउटपुट्स। ऑडियो इनपुट के लिए मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शंस है हमारे पास, यूएसबी, ऑक्स और ब्लूटूथ, ठीक है। ठीक है, अब इसकी हीट सिंक निकाल के हम इसकी आईसी देखेंगे कि एक्चुअल में कौन सी आईसी है इसमें, और यहाँ पे भी आपको मॉडल नंबर आपको देखने को मिलेगा इस एम्पलीफायर बोर्ड का। तो आइए गाइस हीट सिंक निकालते हैं और देखते हैं कौन सी आईसी इसमें इनबिल्ड है जो कि इसको एक पावरफुल एम्पलीफायर बोर्ड बनाती है। सो गाइस आपने 5532 आईसी के बारे में भी सुना होगा, वो 600 वाट की एक आईसी होती है, ये 350 वाट की एक आईसी है। ओके, ये देखिए गाइस, ये है 3251 आईसी जो कि 350 वाट की एक आईसी होती है, ठीक है। तो एक आईसी हमारे सबवूफर का ड्राइव करेगी और स्टीरियो पे ये 220 वाट के दो स्पीकर ड्राइव करेगी एक आईसी, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है इन आईसीज की। स्टीरियो पे थोड़ा ज़्यादा आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस ये था 3251 का बोर्ड, इसके फीचर भी मैंने सारे बता दिए, टेस्टिंग हमारे चैनल पे अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो उसकी भी हमने, तो इसका भी रिव्यू हमने दे दिया आपको प्रॉपर। टोटल 790 वॉट का ये आउटपुट देगा, पर इसका ये मतलब नहीं है आपको टोटल 790 वॉट ही लेना है, आप 600 वॉट तक ले सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। ज़्यादा लोगे तो हो सकता है कि बर्न आउट हो जाए इसकी आईसीज, तो 600 तक रहो तो बढ़िया चलेगा ये, ठीक है। बाकी मैंने तो बहुत हैवी सबवूफर और स्पीकर चलाए हुए हैं इससे, बाकी मैंने इससे गाइस सोनी एक्सप्लोर का मतलब जो 420 वॉट का आरएमएस के साथ ये वाला सबवूफर है ये ड्राइव किया हुआ है अपनी वीडियो में जो मैंने अपलोड की है, और प्रॉपर एक घंटे यूज़ किया हुआ है और बिल्कुल भी हीट नहीं हुआ था हमारे ये वाला एम्पलीफायर बोर्ड। जेन्युइनली बता रहा हूँ, जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ आपको, आप चेक कर सकते हो वीडियो जाके, मतलब पूरा हिला दिया था इस सबवूफर को इस एम्पलीफायर बोर्ड ने। यहाँ पे देख सकते हो कितने वाइड यहाँ पे ट्रैक्स है। ओके, अब हीट सिंक को लगा देते हैं अपने। ओके, तो ये था 3251 बोर्ड। अब जो लास्ट बोर्ड है हमारा वो है ये सबसे ज़्यादा मतलब मेरे को अभी पसंद आ रहा है ये बोर्ड, करेंटली मेरा फेवरेट बोर्ड हो चुका है, मतलब लुक वाइज इससे भी अच्छा बोर्ड लगता है मुझे, बस इसके साथ इनक्लोज़र नहीं आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आईसी का नंबर लिखा हुआ है, TDA 7498। निकालते हैं इसको, TDA 7498P, ठीक है, ब्रांडिंग मिल जाएगी टेक्निकल मेकर की। ये कुछ इसकी पैकेजिंग है, तीन नॉब्स आपको देखने को मिलेंगे इसके साथ, स्पीकर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, बॉक्स है इसके साथ, डबल रैप्ड मिलेगा आपको ये, और ये लुक है इसका। साइज की बात करूँ ना गाइस, तो ये XYS 350 से भी बड़ा बोर्ड है, देख सकते हो। ये देखिए गाइस, मतलब पूरा कवर कर लिया भाई, ये देखिए। ओके, तो वो इससे भी बड़ा बोर्ड है, और डुअल फैन है इसके साथ, देख सकते हो। मतलब देख के यार दिल खुश हो जाता है, ऐसी चीज़ें जो भी साउंड के दीवाने हैं, म्यूजिक के दीवाने हैं, अलग अलग एम्पलीफायर बोर्ड यूज़ करना पसंद है तो ट्राई ज़रूर करना ये वाला बोर्ड यार। बहुत जल्दी इसकी टेस्टिंग लाने वाला हूँ मैं, जो अपकमिंग वीडियो होगी इसी के ऊपर होगी, ठीक है। तो डुअल फैन के साथ है, टोटल आउटपुट ये आपको देगा 160+160 और एक सबवूफर 220 वॉट का। इसमें जो आईसी लगी हुई है TDA 7498P, ये देखिए गाइस। और गाइस डेटा शीट वगैरह एक बार जाके ज़रूर देखना, मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, पर जाके एक बार चेक ज़रूर करना, नोट कर लेना TDA 7498P कितना अच्छा आउटपुट देती है, 160 वॉट के दो स्पीकर ड्राइव करेगी एक सिंगल आईसी, और एक 220 वॉट का सबवूफर प्रॉपर ड्राइव करेगी एक आईसी, ठीक है। तो ये कुछ लुक है पीछे से, ये कुछ लुक है फ्रंट से। ये फर्स्ट जो नॉब है हमारी मास्टर वॉल्यूम है, इसमें हमारा ऑन ऑफ स्विच भी इनबिल्ड है, ये बेस एंड ट्रेबल है हमारे ऑल ओवर बोर्ड के, ठीक है।
ये ऑक्स इनपुट है मल्टीपल, इसमें भी आपको ऑडियो इनपुट्स देखने को मिलेंगे। टोटल्स में दो हैं, एक ऑक्स का इनपुट आप ले सकते हो और एक 5.0 ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दो इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलेंगे, रेड एंड ग्रीन। दो फैन हैं इसके साथ, ये आउटपुट टर्मिनल्स हैं इसके। यहाँ से आप डीसी पावर सप्लाई दोगे, डीसी पावर सप्लाई आप दे सकते हो इसमें। मैं आपको बताता हूँ, हाँ डीसी पावर सप्लाई डीसी इन आप इसमें दे सकते हो 12 से 30 वोल्ट। ठीक है, 30 वोल्ट पे आपको इसका अच्छा आउटपुट मिलेगा 4 ओम की लोड पे। 4 ओम के स्पीकर सबवूफर चलाओगे तो जनरली बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा, तो लेके चलना। और गाइस देख सकते हो इस बोर्ड के जो इंडक्टर्स है, अभी तक के सबसे अच्छी क्वालिटी के इंडक्टर मेरे को लगे हैं। ये देखिए गाइस, मतलब सील्ड एकदम प्रॉपर बॉक्स टाइप के इंडक्टर लगे हुए हैं। डिफरेंस देखो गाइस, देख रहे हो, मतलब यार क्या बोर्ड बना रहे हो यार आप चाइना वाले। ये देखिए गाइस, और यहाँ पे एक कंपोनेंट जो है क्लास एबी का भी लगा हुआ है, आई थिंक ये मॉस्फेट है। ये देखिए गाइस, और हीट सिंक इसके साथ अटैच्ड है। और गाइस एक फीचर मैं आपको बताऊंगा, ये जो फैन है इसमें तो ये ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है पावर सप्लाई लगाते ही, ठीक है, पर इसमें ये जो फैन है ये जब चलेंगे, जब आईसी हीट होगी उससे पहले नहीं चलेंगे। तो ये फीचर मतलब यार बहुत बढ़िया है कि यार फैन जब ही चलेंगे जब आईसी हीट होगी। और इसमें आपको सारे प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेंगे, जैसे ओवर वोल्टेज, ओवर हीटिंग, अंडर वोल्टेज, सारे प्रोटेक्शन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें भी 20 एम्पियर का डायोड लगा हुआ है, आप देख सकते हो 20 एम्पियर तक का इसमें करंट आप दे सकते हो। बाकी इसकी टेस्टिंग बहुत जल्दी आएगी, एक बार इसकी आईसी निकाल के देख लेते हैं। टोटल दो आईसी लगी हुई है इसमें। बाकी यार मज़ा आ गया देख के, क्या क्या बोर्ड बना रहे हो यार आप लोग। तो देखते हैं एक बार इसकी आईसी निकाल के। तो यहाँ पे ये होल्डर्स है सिलिकॉन के, ओके ओके, ये देखिए गाइस, ये है TDA 7498P, ये क्वालिटी है। सारे के सारे हैवी एम्पलीफायर बोर्ड्स मैंने ज़्यादा दिखाए हैं इस वीडियो में, जिनको देखने के बाद मेरा दिल खुश तो हो ही रहा है। आई होप आप सब लोगों का भी वीडियो देखने में दिल खुश हो रहा होगा। ठीक है, वीडियो मैं इसीलिए लाता हूँ ताकि आप सब लोगों का दिल खुश कर सकूँ ऐसे ऐसे बोर्ड्स ला के। ओके, तो गाइस ये थी हमारी आईसी TDA 7498P, टेस्टिंग बहुत ही जल्दी आएगी इसकी। ठीक है, टेक्निकल मेकर ब्रांड के साथ मिलेंगे। और गाइस ऑनलाइन प्राइसिंग आप इसकी टेस्ट करोगे ना कितने का मिल रहा है, लेके चलो गाइस 5,500 इसी के ऊपर ही मिलेगा आपको। ठीक है, पर हमारे पास गाइस जेन्युइनली बहुत ही कम प्राइस में, एक बार कैटलॉग जरूर चेक करना या फिर डिस्प्ले पे आपको इसका प्राइस दिख जाएगा। ठीक है, ये किसी किसी वेबसाइट पे ये वाला 10,000 का मिल रहा है, 7,000 का मिल रहा है, 8,000 का मिल रहा है, 5,000 का मिल रहा है ऑनलाइन। पर हमारे व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू आप बहुत ही सस्ते प्राइस में बाय कर सकते हो, एक बार चेक जरूर करना। और ये वाला बोर्ड कहीं पे 6,000 मिल रहा है, XYS 220H, कहीं पे 6,000 का, कहीं पे 4,000 का, कहीं पे 4,500 का, यही रेट चल रहे हैं इनके। और ये जो MT21 दिखाया मैंने, ये आपको कहीं पे मिल रहा है 2,500 का, 3,000 का, पर एक बार चेक करना हमारे प्राइजेस, आपको सब पता लग जाएगा भाई कि कितने सस्ते प्राइस में आपको सारे एम्पलीफायर्स मिल रहे हैं। और ये TB21 भी आपको एक बार चेक करना, 3,500 से ऊपर ही दिखाएगा प्राइजेस। ठीक है इसके, तो भाई सारे बोर्ड्स हमने दिखा दिए हैं आज के, और सारी यूनिट्स कवर कर ली हैं हमने। ठीक है, और गाइस बाकी मैं ये मॉड्यूल भी आपको दिखाना चाहूँगा। अब ये भी हमारे पास स्टॉक में आ चुका है। ठीक है, ये आपके 5 वॉट के 2 स्पीकर बहुत ही ईजीली चला देगा। सारे फीचर आपको देखने को मिलेंगे इसमें, माइक का ऑप्शन, USB इनपुट, मेमोरी कार्ड इनपुट, ऑक्स इनपुट, ब्लूटूथ इनपुट, और इससे आप एक ब्लूटूथ स्पीकर ही बना सकते हो, देख सकते हो। 5 वोल्ट का DC चार्जर का पॉइंट भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मोड, सारे बटन्स देखने को मिलेंगे, और रेडियो वगैरह भी इनबिल्ड है इसमें। देखिएगा, इसमें आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपकी बैटरी कनेक्ट होगी 5 वोल्ट की, और यहाँ पे 2 स्पीकर कनेक्ट होंगे 5 वॉट के। स्पीकर भी अपने पास अवेलेबल है, जाके चेक कर सकते हो। तो कुछ इस टाइप के स्पीकर्स होंगे, ठीक है, न्यूडीनियम मैग्नेट में। ओके, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे
कनेक्ट होंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको कनेक्ट करके। ओके ये देखिए गाइस, बहुत इजीली आप इसके थ्रू बहुत अच्छा सा कॉम्पैक्ट साइज का स्पीकर बना सकते हो। और गाइस सेम इसी वैरायटी में, इसी मॉडल में एक डिस्प्ले वाला भी आया है। ये बिट डिस्प्ले है, सेम आउटपुट है, सेम फीचर है। और इसका ऑन ऑफ बटन देख सकते हो थोड़ा डिफरेंट है। सारे के सारे रिमोट कंट्रोल ये एम्पलीफायर बोर्ड से मॉड्यूल्स है, ठीक है। उसके बाद एक ये आया है पगारिया का, ये एम्पलीफायर्स में लगता है। इसका जो प्राइस है वो भी आप देख सकते हो कैटलॉग में जाके, ठीक है। बाकी की वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा इस टाइप के एम्पलीफायर बोर्ड्स की, जिसमें सारे एम्पलीफायर बोर्ड्स होंगे इस टाइप के, छोटे छोटे कॉम्पैक्ट साइज के। ओके सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सारे के सारे एम्पलीफायर बोर्ड्स मैंने दिखा दिए हैं विद प्राइस सारे के सारे। सो ओके गाइस, ये थी कंप्लीट वीडियो और पावर सप्लाई वगैरह भी आपको जो मैंने ये वाले बोर्ड्स दिखाए हैं 36 वोल्ट की पावर सप्लाई पे जो ऑपरेट होंगे, ठीक है, इसकी पावर सप्लाई आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में दिखा रखी है, एक बार चेक कर लेना। 36 वोल्ट की पावर सप्लाई, 20 एम्पियर की, प्रॉपर 20 एम्पियर की आपको पावर सप्लाई मिल जाएगी हमारे पास, और प्रॉपर तगड़ा आउटपुट मिलेगा उस पावर सप्लाई से। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि ये वीडियो आई डोंट नो कौन कौन देख रहा है, ठीक है। तो ये वो पावर सप्लाई है, ये देखिए गाइस, ये देखिए। ओके तो ये वो पावर सप्लाई है, फैन वगैरह अटैच्ड है इसमें, ये देखिए। ओके 20 एम्पियर 36 वोल्ट की पावर सप्लाई है, फैन वगैरह हर एक चीज इनबिल्ड है, क्योंकि हैवी पावर सप्लाई है, फैन होना तो बनता ही है। कैटलॉग में सबका लिंक मिल जाएगा आपको, जो भी आपको बाय करना है, जो भी इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है। मतलब गाइस डिमांड आ रही थी 4 इंच के सबवूफर की, तो वो भी अवेलेबल है, जाके चेक कीजिए कैटलॉग, वो भी आपको मिलेगा। 20 वॉट का 4 ओम में आपको अवेलेबल मिल जाएगा सबवूफर। ओके सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइस जो भी ये वीडियो अभी तक देख रहा है, कमेंट में हाय जरूर लिखना, सबके रिप्लाई करने वाला हूँ। ओके सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय लिंक वगैरह आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कीजिए, बाय कीजिए। ऑल इंडिया डिलीवरी है, घर बैठे बैठे भी आप एक पीस मंगा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेट्स गो।